मुरादाबाद के पटपुरी और मानपुर के गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने दोनों गांव को हॉटस्पॉट घोषित कर सीमाएं सील कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर लगा दी गई है। पूरे गांव को लगातार सैनिटाइज करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि हॉटस्पॉट होने की वजह से पूरे गांव में डोर टू डोर जरूरी सामग्री की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। भगतपुर ब्लॉक में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों गांव की सीमाएं सील कर दी गई हैं और लगातार गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही दोनों कोरोना पॉजिटिव के परिवार को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर लगा दी गई है जो लोगों के घर जाकर सभी ग्रामीण की टेस्ट कर रही है। हॉटस्पॉट होने की वजह से किसी को भी गाँव में प्रवेश नहीं करने की इजाजत है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। सर, यहाँ पर लॉकडाउन में कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या प्रक्रिया चल रही है आपकी? यहाँ पर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। उसके परिवार के 10 लोग थे जिनको मुरादाबाद क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। गांव की सीमाएं पूर्ण रूप से सील कर दी गई हैं। नियमित रूप से यहाँ सैनिटाइजेशन प्रतिदिन किया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे भी कर रही है और किसी तरह की भी कोई दिक्कत है उसके लिए यहाँ पुलिस मौजूद है। प्रशासन की ओर से हमारे सहायक विकास अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद हैं, लेखपाल भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सब्जी के लिए 3 लोगों को यहाँ अधिकृत किया गया है। उसी प्रकार दूध सप्लाई के लिए 1 आदमी को अधिकृत किया गया है ताकि बाहर का आदमी कोई इसमें प्रवेश ना ले। इसी प्रकार किराने से संबंधित जो राशन वगैरह की दिक्कत है उसके लिए 2 आदमियों को यहाँ नामित किया गया है और उनको पास जारी कर दिए गए हैं। वो डोर टू डोर डिलीवरी मांग के अनुसार करते रहेंगे। साथ ही यहाँ पर अनाउंसमेंट भी उन लोगों के नाम और मोबाइल नंबर सब कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है। गाँव की साफ़ सफाई नियमित रूप से की जा रही है। अब तक यहाँ पर कितने पॉजिटिव मिल चुके हैं? हमारे विकासखंड में 2 हैं, एक मानपुर गांव में है और एक यहाँ पटपुरी। और पटपुरी में सर कितने लोगों की जांच की जा चुकी है अब तक? पटपुरी में नियमित रूप से अभी जांच चली रही है और पूरे गांव के सभी लोगों की जांच की जानी है। 100 से 150 लोगों की जाँच अभी तक की जा चुकी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.